हाय एवरीवन, वेलकम टू माय रेसिपीज। आज हम बना रहे हैं साबूदाना खिचड़ी। बहुत ही टेस्टी खिचड़ी बनती है, तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। अब सबसे पहले एक स्ट्रेनर में साबूदाना ले लें और उसके बाद 3 से 4 बार तक साबूदाने को पानी के साथ अच्छे से रिंस कर लें ताकि इसका सारा स्टार्च निकल जाए। अब हम इसे डाल लेंगे एक बड़े बोल में, पानी ऐड करेंगे और साबूदाने को कम से कम 4 से 5 घंटे या ओवरनाइट के लिए सोक करें। ये देखिए साबूदाना अच्छे से फूल चुका है। अब हम इसका एक्सेस वाटर निकाल लेंगे। अब हम तड़के की तैयारी करेंगे। सबसे पहले एक पैन में ऑयल ऐड कर लें। जैसे ही ऑयल गर्म होता है तो हम ऐड करेंगे पीनट्स, मूंगफली। मूंगफली को अच्छे से शैलो फ्राई कर लें। ये देखिए पीनट्स रेडी हैं। अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम सेम ऑयल में सबसे पहले ऐड करेंगे हींग, ऐड करेंगे जीरा, क्रश धनिया ऐड करेंगे, लाल साबुत मिर्च ऐड करेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लें और अब आलू ऐड करेंगे। आलू को भी अच्छे से मिक्स कर लें। अब ऐड करेंगे करी लीव्स। आलू को तब तक सॉटे कर लें जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन कलर के ना हो जाएं। ये देखिए कुछ इस तरह का कलर हमें चाहिए होगा। अब हम ऐड करेंगे ग्रीन चिलीज, हरी मिर्च, नमक ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग और इसके बाद साबूदाना ऐड करेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें और अब हम इसे ढक के पकाएंगे 1 से 2 मिनट तक। ध्यान रहे आप इसे ओवर कुक ना करें, नहीं तो ये स्टिकी हो जाएगा। और अब ऐड करेंगे फ्रेश लेमन जूस। अब ऐड करेंगे शैलो फ्राई किए हुए पीनट्स। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लें, मिक्स कर लें। ये देखिए खिचड़ी तैयार है। अब हम निकाल लेंगे एक प्लेट में, गार्निश कर लेंगे हरे धनिए के साथ। इंजॉय कीजिए खिचड़ी को ब्रेकफास्ट में या शाम के नाश्ते के लिए। आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो, तो ट्राई करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।